ट होता क्या है गास्केट एक टाइप का सीलिंग मटेरियल है जो दो फ्लैंज के बीच में रखते हैं और उसे एक स्टेटिक सील क्रिएट होता है जो कि प्रूफ जॉइंट मेंटेन करता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट अभी कौन सा टाइप का गास्केट यूज करने का दैट इज डिपेंड ऑन फ्लूड सर्विस की जहां पे ये गास्केट लगने वाला सर्टेन पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर Corrosion resistance type टाइप ऑफ robustness availability एंड कॉस्ट ये सारे पैरामीटर को कंसिडर करके आपको अप्रोप्रिएट गास्केट सिलेक्ट करना रहता है नॉर्मली देर आर थ्री टाइप ऑफ गास्केट नॉन मेटालिक मेटालिक एंड कंपोजेट लेट स्टार्ट विथ नॉन मेटल गास्केट ये जो नॉन मेटल गास्केट है दे आर मोस्ट कॉमन उसको आप सॉफ्ट गास्केट भी बोल सकते हो एज नेम सजेस्ट नॉन मेटालिक गास्केट जो है वो रबर टेफलॉन या तो फिर कंप्रेस नॉन एस्बेस्टोस फाइबर से बने हुए होते हैं इंडस्ट्री में कम्प्रेस नॉन एस्बेस्टोस फाइबर गास्केट को सी एन ए एफ गास्केट बोलते हैं नॉन मेटालिक गास्केट लो प्रेशर क्लास फ्रेंच के साथ जैसे कि 150 और क्लास 300 हंड्रेड फ्रेंच के साथ में यूज होते हैं और लो टेम्परेचर सर्विसेज में यूज़ होते हैं आप इसको हाइड्रोकार्बन सर्विसेज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते नॉन मेटालिक गास्केट या तो फुल फेस में आते हैं या तो इनसाइड साइड बोल्ट सर्कल में आते हैं अब ये फुल फेस क्या होता है और इनसाइड साइड बोल्ट सर्कल क्या होता है मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। नॉन मेटालिक गास्केट इजीली अवेलेबल है एंड वो सबसे सस्ते होते हैं यहाँ पे ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सी एन एफ एंड पी टी एफ ई गास्केट का फोटो लगाया हुआ है और उसके साथ में ही फुल फेस गास्केट एंड इनसाइड बोल्ट सर्कल गास्केट का भी फोटो लगाया हुआ है यहाँ पे आप देखिए कि जो फुल फेस गास्केट है वो फ्लैंच के पूरे फेस को कवर करता है और जो स्टड होता है वो गास्केट के अंदर से पास होता है जबकि जो इनसाइड बोल्ट सर्कल गास्केट है वो जो फ्लैंज का सरेशन फेस होता है उसके ऊपर बैठता है और जो स्टड होता है वो उसके ऊपर से पास होता है नेक्स्ट है मेटालिक गास्केट मेटालिक गास्केट जो होते हैं वो सॉफ्ट आयरन लो कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील मॉर्नेल एंड इनकोनेल से बनते हैं इस गास्केट को आप आर टी जे गास्केट या तो रिंग गास्केट भी कह सकते हो मेटालिक गास्केट जो है वो हाई प्रेशर क्लास फ्लैच के साथ यूज़ होता है जो कि नॉर्मली अबो नाइन हंड्रेड क्लास है एंड आप ये मेटालिक गास्केट को हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर सर्विसेज में यूज़ कर सकते हो अभी मेटालिक गास्केट के साथ में आपको हाई टेंशन बोल्टिंग यूज़ करना पड़ेगा जबकि आप नॉन मेटलिक गास्केट को लो प्रेशर बोल्टिंग के साथ यूज कर सकते हो मेटलिक गास्केट जो है वो वेरी रबस्ट होते हैं और साथ में सबसे ज्यादा महंगे भी होते हैं यहां पे मैंने इस स्लाइड में दो टाइप के मेटलिक गास्केट दिखाए हैं एक है ऑक्टागोनल एंड सेकेंड है ओवल टाइप ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके बेस पे ऑक्टागोनल या तो ओवल आर टीजे के साथ ये गास्केट फिट होते हैं द नेक्स्ट है कंपोजिट गास्केट कंपोजिट गास्केट एज ने कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मटेरियल डिफरेंट टाइप के मेटल एंड नॉन मेटल यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट गास्केट बना सकते हो डिंग ऑन योर सर्विस रिक्वायरमेंट स्पायरल ऑन गास्केट मेटल जैकेटेड एंड कैप्रोफाइल गास्केट आर वेल नॉन कंपोजिट टाइप ऑफ गास्केट कंपोजिट गास्केट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आप वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ में यूज कर सकते हो हमने देखा कि नॉन मेटालिक गास्केट आप हाई प्रेशर में यूज नहीं कर सकते हैं और जो मीडियम प्रेशर रेंज है उसमें आप अगर मेटालिक गास्केट यूज करोगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा तो उस दोनों का सॉल्यूशन है कंपोजिट गास्केट कंपोजिट गास्केट आर कॉस्ट इफेक्टिव जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी यहां पे मैंने स्पायरल ऑन गास्केट दिखाया जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपोजिट गास्केट है इट इज सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर क्लास नॉर्मली ग्रेफाइट या तो पी टी जो होता है पी टी एफ ई नॉन मेटालिक मटेरियल होता है वो एज अ फिलर मटेरियल यूज़ होता है एंड स्टेनलेस स्टील या तो कोई अदर एग्जॉटिक मटेरियल जैसे मॉनल वो एज अ वाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज होता है अभी जो स्पायरल आउट गास्केट है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं इनर एंड आउटर रिंग एंड वाइंडिंग मटेरियल इनर रिंग है वो हमेशा नहीं होती है वो एज एंड वैन रिक्वा होती है इनरिंग का फंक्शन क्या होता है कि जब भी आपका लाइन में वैक्यूम होने का चांसेस रहता है या तो आपकी आप लाइन में कंटामिनेशन अवॉइड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे इनर रिंग का यूज होता है अभी जो ये वाइंडिंग मटेरियल होता है वो एक अल्टरनेटिव लेयर ऑफ सॉफ्ट फिलर मटेरियल जो कि मैंने ऑलरेडी बताया नॉर्मली ग्रीफाइड या तो पी होता है एंड एक मेटल स्ट्रीप होता है एस का पतला मेटल स्ट्रीप होता है उसका अल्टरनेटिव लेयर को आप वी शेप या तो डब्ल्यू शेप में बाउंड करते हो और उससे वाइंडिंग रिंग बनता है यहां पे आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं कि वी टाइप वाइंडिंग एंड डब्ल्यू टाइप वाइंडिंग क्या होता है नेक्स्ट मेटल जैकेटेड गास्केट अभी मेटल जैकेटेड गास्केट में क्या होता है जो सॉफ्ट फिलर मटेरियल होता है उसको थिन शीट ऑफ मेटल से एनक्लोज कर लेते हैं मतलब उसको जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको मेटल शीट से पूरा कवर कर लेते हैं यहां पे मैंने इमेज में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कवर्स ऑफ फिलर मेटल दिखाया हुआ है मेटल जैकेटेड गास्केट जो होते हैं वो नॉर्मली हीट एक्सेंचर में यूज होते हैं लास्ट टाइप ऑफ गास्केट है वो है प्रोफाइल गास्केट कैम प्रोफाइल गास्केट को अगर आप बाहर से देखोगे तो वो आपको स्पाइरल स्पाइनल गास्केट के जैसा ही दिखेगा बट इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि इसमें एक मेटल की सॉलिड रिंग होती है जिसके ऊपर ग्रू बने होते हैं और इस ग्रू के ऊपर आप ग्रेफाइट या तो पी का लेयर लगाते हो जबकि स्पाइरल वाउंड में क्या होता है कि आप दोनों का थीन शीट को बाउंड करते हो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यहाँ पे एक मेटल का रिंग होता है जिसमें वी टाइप ग्रू बनते हैं और उसके ऊपर ग्रेफाइट या तो पी लगाया जाता है यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो केम प्रोफाइल गास्केट स्पाइरल गास्केट से महंगा होता है बट उसका बेनिफिट क्या है कि आप इसको लार्ज डाइमे भी इजीली हैंडल कर सकते हो और इसका ब्लो आउट रेजिस्टेंस स्पायरल ऑन गास्केट से अच्छा होता है स्पायरल ऑन गास्केट में क्या होता है कि आपको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप थोड़ा भी मिस हैंडल करोगे तो वो गास्केट पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो तो ये है पाइप गास्केट के बारे में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे